पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबाराव फूले जी, सावित्री बाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांशीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ को वंदामी करते हुए आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी, मिशन जयभीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्या जी, भारतीय बौद्ध महासभा यानी रिपब्लिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और मिशन जयभीम के सारे कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जयभीम विनम्र नमन बधाई। जो लोग इधर खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्यार है तो प्लीज आप आधा घंटा और दीजिए, कुर्सियों पर आइए। जो लोग इधर खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कुर्सी पे आइए। जो लोग गैलरी में खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप कुर्सी पे आइए। कुर्सी पे आपको भोजन भी कुर्सी पे मिलेगा और पानी भी आपको कुर्सी पे बैठे हुए मिलेगा। अभी आपने राजरत्न अम्बेडकर जी को सुना, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पूरे जीवन संघर्ष को आपके सामने रखा। उन्होंने तथागत बुद्ध का धर्म ही क्यों चुना, वो उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, तो मैं जहां से उन्होंने खत्म किया वहां से शुरू करता हूं। आखिर बुद्ध का धर्म ही क्यों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने हिस्से का काम कर गए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये चिंतन हमें और आपको करना होगा। कभी तो हमें सोचना चाहिए, आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े छूने मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई, जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर सुंदर दिखने पर हत्या क्यों होगी, हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया, आखिर क्यों, अभी दो बहनों को बलात्कार करके फांसी पर लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों, घोड़ी पर बारात निकालने तो हमले क्यों, जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों। जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सारी परेशानी सुनता और समझता है, समझने के बाद दवाई देता है, दवाई देने के बाद भी जब दवाई आप लेते हैं ठीक नहीं होते, उसके बाद फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई जितने दिन आपने कही थी उतने दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपके कई प्रकार के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, एमआरआई कराता है, सिटी स्कैन कराता है, और सारी जांच कराने के बाद पहले वो बीमारी के कारण को समझता है। जब आपकी बीमारी का कारण समझ आ जाता है तो उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है, और तो दवाई लेने के बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम लोग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, हम लोग भी तो नाना प्रकार की दवाइयां खा रहे हैं, हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते, जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस समाज की बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक लोग हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहां विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जाति
जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म दे करके उन्होंने कहा था मैं भारत बोध में करी, मैं भारत को बोध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से, जातिवाद से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज को अनेक प्रकार की विषमता से, असमानता से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज के जीवन के विकास के रास्ते खोल दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया अब मैं अपना बाकी का जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में, छुआछूत मुक्त बनाने में, जातिवाद मुक्त बनाने में लगाऊंगा। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे भारत को बौद्ध में कर ले, दीक्षा लेने के एक महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, वो सपना रह गया। हम लोगों ने बाबा साहब की ये तो कहा हम बाबा साहब की औलाद हैं, हमने ये तो कहा हम बाबा साहब के खून हैं, ये तो हमने कहा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते, वरना मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आप अपनी कुर्सी पे बैठे या खड़े हैं, अपनी जगह पर हाथ उठाकर वो लोग समर्थन दोनों हाथ उठाकर करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब का अपने आप को संतान मानते हैं, जो चाहते हैं छुआछूत मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं जातिवाद मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते हैं न्याय पर आधारित क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो, एक ऐसा भारत बने जो जाति के आधार पे होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्तार नाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर लें, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घोड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मूंछ रखने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, जैसा भी राजरत्न अम्बेडकर जी कह रहे थे। आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताया कि 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं उस लालच को कब तक पकड़े रहे होंगे भाई। नौकरियां है कहां? दो कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई, एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग ना तो संपत्ति के मालिक बन पाए, ना कॉलेज के मालिक बन पाए, ना स्कूल के मालिक बन पाए, ना अस्पताल के मालिक बन पाए, इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए, इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए, इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ गए। और जो कुछ हमें मिला वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से, पढ़ने के अधिकार की वजह से दिया। अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, हम लोग नौकरी में ना पाते। आज हमारे लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग राष्ट्रपति बन गए। लेकिन आप ताली बजाने से पहले सोच लेना, ईमानदारी से बताइए, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो गया? क्या देश के दो दो राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्या हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो गया? आज भी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, लेकिन दुख तब होता है आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति, दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश दलित बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई जब बाकी लोग बनते तो कोई कहता सुना है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति, सुना है क्या? इसी अंतर को समझिए, ये लोग हमारी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग समझ गए, जो लोग 16-16 घंटे धूप में काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं।
आज ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनको समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा इनके जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, इन्होंने पढ़ने लिखने से ज्ञान अर्जित कर लिया, इस ज्ञान से इनके पास खोजने की ताकत आ गई। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था से ये लोग ग्राम प्रधान बन गए, निगम पार्षद बन गए, जिला पंचायत में जीत कर आ गए, MLA बन गए, MP बन गए, मंत्री बन गए। यहाँ तक कि मैं आज अगर मंत्री हूँ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से। लोग कहते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, अरे मंत्री पद तो कुर्बान है अपने समाज के ऊपर, इस समाज की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मंत्री पद मिला है। अगर अपने समाज की इज्जत सुरक्षित ना कर पाए, अपने अगर अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, अगर अपने समाज के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ ना बोल पाए, अगर अपने मुद्दों को हम संसद और विधानसभाओं के अंदर ना उठा पाए, तो हम समाज द्रोही है, हम धोखेबाज है। हमने बाबा साहब के साथ धोखा किया, अब हम धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते। जो लोग अपने आप को धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते, उन्हें समाज की आवाज को उठाना पड़ेगा, उन्हें समाज के आंदोलन को घर घर तक उठाना पड़ेगा। और हम सब अगर बाबा साहेब के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए नौकरी वो खत्म कर चुके, ऑलरेडी देश के सारे संसाधन बेच चुके, जैसा राजनाथ अम्बेडकर जी ने बताया। आज मैं आपको आह्वान करता हूं, हम खुद खड़े मन से कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण, हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरिएट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। अब केवल नौकरी की बात बेमानी हो गई है, नौकरी से काम चलने वाला नहीं है, हमें हिस्सेदारी भागीदारी की मांग करनी होगी। अपनी इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा, हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, जीतना हम जानते हैं। बाबा साहेब ने जीता था तो बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे, बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे। लेकिन इस जीत में अगर हार मिलती है, अगर कोई कमजोरी दिखती है, तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग जातियों को जिंदा रखे हुए हैं, हम जातियों को बनाए रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति कुदरत ने बनाई है तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है, फ्रांस में जाति क्यों नहीं है, जर्मनी में जाति क्यों नहीं है, ब्रिटेन में जाति क्यों नहीं है, चाइना में जाति क्यों नहीं है, जापान में जाति क्यों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति क्यों नहीं है, कोरिया में जाति क्यों नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। जाति है तो केवल भारत के अंदर है, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ, और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर जातियों के वजह से हमें नुकसान है, तो फिर हम जातियों को पकड़ के क्यों बैठे हैं, हम जातियों को छोड़ के नहीं देते। इसीलिए हमने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है, खोज के तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गए थे, लेकिन वो जो दवाई पुड़िया बनाकर समाज को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विषमता से मुक्ति दिलाने के लिए, छुआछूत से मुक्ति दिलाने के लिए, जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो दवाई पुड़िया बनाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेकर गए थे, हमारे बुजुर्गों ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और गुलामी का जीवन जीते रहे, जातियों को जिंदा रखे हुए रहे। इसीलिए हमारे समाज के साथ जाति की वजह से उत्पीड़ित होता है। अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे। बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्वगुरु मानते हैं, वो भारत को विश्वगुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। जो लोग तैयार है बौद्ध बनने के लिए, जो जहां भी खड़े पर दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे, जो बौद्ध बनने के लिए बाबा साहेब के सपने को साकार करने के लिए आप लोग तैयार है, तो मेरे साथ बोलिए, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। हम लोगों ने सपना देखा है, हम लोगों ने संकल्प लिया है।
किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसका संकल्प इस साल हमने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1,00,000 से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में डिस्ट्रिक्ट दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बौद्ध में दीक्षा, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है, लखनऊ में दीक्षा हो रही है, कानपुर में दीक्षा हो रही है, किस किस शहर का नाम लू, तमिलनाडु में दीक्षा हो रही है, तेलंगाना में दीक्षा हो रही है, कर्नाटक में दीक्षा हो रही है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 25,00,000 में स्पेशल एक फ्लाइट स्पाइस जेट बुक करके 25,00,000 रुपए में 150 डॉक्टर तमिलनाडु के चेन्नई से कल रात बौद्ध में भारत का एक पूरा विमान बुक करके बाहर छुपा के बौद्ध में भारत, बाबा साहब का सपना बौद्ध में भारत, वो विमान पूरा 150 डॉक्टर 25,00,000 एक तरफ का किराया देकर आने जाने का पूरी फ्लाइट बुक करके वो लोग तमिलनाडु के चेन्नई से कल शाम देख सकते हैं नागपुर आए हैं। तो पूरा भारत बाद की तरफ चल चुका है, चलो बुद्ध की ओर, और साथ ही चलो बुद्ध की ओर, देखो छाए भी हो गई। भीम बुलाता है तुम्हें जय, भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, नमः बुद्धाय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714, हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।